बरेली फरीदपुर कस्बे में दिल दहला देने वाली घटना हुई है। कस्बा में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जलने वालों में दंपति और उनके 3 मासूम बच्चे हैं। 5 लोग एक कमरे में सो रहे थे। अजय गुप्ता, उनकी पत्नी अनीता गुप्ता, बेटा देवांश गुप्ता, बेटी दिव्यांशी गुप्ता और छोटा बेटा दक्ष गुप्ता एक कमरे में सो रहे थे। रात में कमरे में आग लगने से जलकर उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहुंचने के निर्देश दिए और हर संभव मदद करने, इलाज की सुविधा दिलाने का आदेश दिया। रविवार तड़के घटना की जानकारी होने पर फोर्स के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। कमरे में बाहर से ताला लगा मिला, इससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक अजय गुप्ता उर्फ टिंकल हलवाई थे। वह अपने परिवार के साथ 3 वर्ष से फरीदपुर के मोहल्ला फर्रुखपुर में रिश्तेदार के मकान में किराए पर रहते थे। शनिवार रात सभी लोग एक ही कमरे में सोए थे। तड़के पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलता देखा तो पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था और ताला लगा हुआ था। पुलिस दरवाजा तोड़कर कमरे में दाखिल हुई। अंदर 5 शव जली अवस्था में पड़े थे। कमरे में रखा सारा सामान जल गया था। मंजर इतना भयावह था कि लोगों की रूह कांप गई। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन व रिश्तेदार पहुंच गए। हर कोई इस घटना से स्तब्ध है। थाना क्षेत्र फरीदपुर में, कस्बा फरीदपुर के अंतर ही फरकपुर मोहल्ला पड़ता है। यहाँ बड़ी दुखद घटना आज हुई है। यहाँ पर एक घर में पूरा परिवार, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे, उनके एक कमरे में सो रहे थे और वहाँ पर आग लगी है और आग से जल के सभी 5ों लोगों की मृत्यु हुई है। 5ों का जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ फायर सर्विस के CFO भी मौजूद है, IG साहब, और मेरे द्वारा भी घटनास्थल देखा गया है और आग के कारणों का भी पता कराया जा रहा है। सर, ये बताया जा रहा है गेट पे बाहर से ताला लगा हुआ था। यहाँ पर जो कमरा है उसके बाहर से एक ताला लगा हुआ है और जो पहले प्रथम दृष्टि देखने वाले हैं, जो इनके चचेरे भाई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने उसको ढकेल के तोड़ा है। इसके बाद में जब अंदर से देखा है तो इसी कमरे के जो दरवाजे हैं उसको अंदर से कोई भी सिटकनी या कुंडी लगाने के सिस्टम नहीं है, बाहर से ही सिस्टम है और वहीं पर ताला लगा हुआ था जिसको इनके द्वारा तोड़ा गया। बाकी पूरे मामले में क्या कारण हो सकते हैं और ताला बाहर से क्यों था और अंदर कोई सिटकनी कब से नहीं थी या कोई सिस्टम क्यों नहीं था, उसके बारे में भी पूरी जानकारी की जा रही है, घर वालों से बात की जा रही है और आग के और पूरे घटना के कारणों का हमारे द्वारा पता कराया जा रहा है। जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।